हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू यूपीएससी वाला दिस इज सोनिया ओजन टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सर्विस सेक्टर इंडियन इकोनॉमी बुक सीरीज का ये ट्वेंटी चैप्टर है सो लेट्स गेट स्टार्टेड बिफोर वी मूव ऑन टू द चैप्टर आई वांट टू आंसर अ फ्यू क्वेश्चन लास्ट कुछ क्लासेज में कई सारे स्टूडेंट्स लेक्चर्स uh, के अंदर कमेंट्स में पूछ रहे हैं कि मैम हम कौन सी बुक फॉलो करते हैं तो अगर आप इस सीरीज़ के सबसे पहले इंट्रोडक्शरी लेक्चर uh, में अगर जाओगे तो फर्स्ट टेन मिनट्स आई डिस्कस दिस ओनली हम एक बुक को रेफर नहीं करते हैं हम सात आठ बुक्स को रेफर करते हैं क्योंकि पर्सनली आई हैव नोटिस कि सिर्फ एक बुक ऑल ऑफ देम आर गुड बुक्स बट वी यूज टू फील कि सिर्फ एक बुक से हमेशा कुछ ना कुछ छूट जाता है बिकॉज यू नो देर आर डिफरेंट वेज ऑफ एक्सप्लेनिंग अ पर्टिकुलर टॉपिक एंड अलग लो, अलग लोग अलग अलग तरीके से समझते हैं तो वॉट वी डू इज़ हमने सारी बुक को रेफर करते हैं जितनी भी सारी बुक्स है और जहाँ से वी फील लाइक कि वी हैव टेकन द मैक्सिमम इंफॉर्मेशन देन वी यू नो

कमेंट कर सकते हो आई रेगुलरली गो थ्रू ऑल माई वीडियोज कमेंट्स एंड इफ देर आर अ लॉट ऑफ गुड क्वेश्चन आई वुड टेक एक्स्ट्रा लेक्चर वेर आई विल आंसर ऑल द क्वेश्चन एंड इफ नॉट इफ देर आर ओनली अ फ्यू क्वेश्चन देन आई कैन ऑल्सो आंसर दैन राइट देयर इन द कमेंट्स ओके तो इवन इफ यू आर वॉचिंग इट सिक्स मंथ्स डाउन द लाइन ऑफ इट्स पब्लिक फील फ्री टू क्वेश्चन एंड आई विल यू नो रेगुलरली एवरी वीकली बेसिस पे मैं सारे कमेंट्स चेक करती हूँ सो डोंट वरी अबाउट इट लेट्स मूव ऑन टू सर्विस सेक्टर तो जैसा कि आपको पता है देर आर थ्री सेक्टर्स इन एन इकोनॉमिक फोर एक्चुअली ना अब तो आप यू बिकम एडवांस इनफ इन इकोनॉमिक्स टू नो कि अब तो चार सेक्टर होते हैं सबसे पहला है प्राइमरी सेक्टर जिसे हम एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहते हैं ठीक है दूसरा है सेकेंडरी ठीक है जिसे हम मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं तीसरा इस है सर्विस सेक्टर टर्शरी बोलते हैं सर्विस सेक्टर एंड देन नेक्स्ट फोर्थ वन आई वुड से वी कॉल इट आर एंड डी रिसर्च एंड डेवलपमेंट ठीक है तो आज हम टर्शरी या फिर सर्विस सेक्टर के बारे में बात करेंगे इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू हर सेक्टर के अंदर डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं राइट right? जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रेन्स है एनिमल हस्बेंड्री है माइनिंग है फिशिंग है वैसे ही सर्विस सेक्टर के अंदर भी सब सेक्टर्स होते हैं तो आज हम इन सब सेक्टर्स को एनालाइज़ uh, करेंगे इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब हम इंडियन इकोनॉमी में वो कैसे कर रहे हैं उनका क्या डाटा है वो सब पढ़ेंगे इन एंड इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि इंडिया में ऐसा क्यों हुआ कि यू नो सेकेंडरी सेक्टर की जगह जैसा कि हमेशा होता है दूसरी इकोनॉमीज में हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग थोड़ा छोटा ही रह गया ट्रशरी सेक्टर बहुत ज़्यादा बढ़ गया बिकॉज ऑफ़ यू नो हिस्ट्री सो वी आर गोइंग टू एनालाइज दीज सेक्टर्स एंड सब सेक्टर्स टू अंडरस्टैंड विच ऑफ देम आर डूइंग वॉट ओके सो कौन कौन से सेक्टर्स हम बात करने वाले हैं इंश्योरेंस टूरिज्म इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट कम्युनिकेशन लॉजिस्टिक पोर्ट एंड शिपिंग स्पेस एंड रियल स्टेट सो इन सब के बारे में हम बात करेंगे लेट्स गेट स्टार्टेड इंट्रोडक्शन आपको पता है कि इंडिया में सर्विस सेक्टर जो है वो बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू दूसरे कंट्रीज में क्योंकि वहाँ पर पहले एग्रीकल्चर के बाद यूजुअली मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्री सेक्टर बढ़ता है फिर उसके प्रॉफिट से सर्विस सेक्टर uh, बढ़ता है बट इंडिया वेंट ग्लोबल एंड इट एंडेड अप टेकिंग अ पोजीशन जहाँ पे हम पूरे वर्ल्ड में मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट करने की वजह सर्विस सेक्टर के प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने लग गए एंड इट बिकेम वन ऑफ द लार्जेस्ट सेक्टर्स इन इंडिया राइट सो ओवरऑल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस सेक्टर इन इंडियन इकोनॉमी हेज विटनेस एक्सेलरेटिंग ग्रोथ ओके मतलब कि बढ़ तो रहा ही है जैसे सब बढ़ रहे हैं बट बहुत तेज बढ़ रहा है ठीक है द सेक्टर अकाउंट्स फॉर फिफ्टी थ्री पॉइंट फोर परसेंट ऑफ द टोटल ग्रोथ वैल्यू एडिटेड ग्रोथ वैल्यू एडिशन हमने लास्ट टू लास्ट क्लास में भी पढ़ा था इट्स बेसिकली जब भी आप कुछ प्रोडक्ट बनाते हो मैन्युफैक्चर करते हो उगाते हो तो आप उसकी एक वैल्यू ऐड करते हो एंड अदर देन अंडरस्टैंडिंग द यू नो जी डी पी विच इज़ द इनकम ऑफ द कंट्री हम जी वी ए भी देखते हैं बिकॉज इट इज़ अ गुड मार्कर ऑफ कि हमने इस पूरे साल में क्या प्रोड्यूस किया कितने कितने वैल्यू का प्रोडक्शन हुआ है तो इसीलिए दैट्स वेयर ग्रोथ वैल्यू एडिशन इज़ यू नो इम्पॉर्टेंट तो इंडिया के जो टोटल इकनॉमी है उसमें जितना भी प्रोडक्शन होता है उसमें से 53.4 परसेंट सर्विस सेक्टर से आता है लेट्स एनालाइज दिस आल्सो सो आप देखोगे डाटा यहाँ पे 2019 22 में 6.3 था कोविड के कारण थोड़ा सा सर्विस सेक्टर यू नो एक साल के लिए एक फाइनेंशियली के लिए थोड़ा पीछे हो गया बट देन इट बाउंस बैक इन ट्वेंटी वन एंड ट्वेंटी टू एंड इट्स एवर ग्रोइंग एंड हियर यू कैन सी द डिविजन ठीक है वॉट इफ यू सी द एग्रीकल्चर सेक्टर इज एटीन इंडस्ट्रीज 28.5 एट पॉइंट 53.3 एंड सर्विसज फिफ्टी उसमें पब्लिक एड और डिफेंस वगैरह 13.94 है फाइनेंस रियल एस्टेट जो है 21.42 परसेंट है ट्रेड होटल ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन सर्विसज जो है वो दे आर अराउंड 17.98 पॉइंट 54 एट अप्रोक्सीमेटली फिफ्टी फोर परसेंट ऑफ द टोटल फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब बाहर से जितना पैसा इंडिया में इन्वेस्टमेंट के लिए आता है उसमें से फिफ्टी फोर परसेंट सर्विस सेक्टर के लिए आता है प्लस जितना इंडिया एक्सपोर्ट करती है उसका 38 परसेंट एक्सपोर्ट जो है दैट कम्स फ्रॉम सर्विस सेक्टर यहाँ पे एक इंफोग्राफिक्स में दिया हुआ है कि कौन से सेक्टर्स में कितना एफ डी है तो सर्विस सेक्टर इज एट द टॉप फॉलोड बाय कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर ट्रेडिंग टेलीकॉम होटल टूरिज्म ऑटो इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज केमिकल्स कंस्ट्रक्शन फार्मा व यू कैन सी दैट सर्विस सेक्टर इज एट द टॉप इसमें सबसे ज्यादा पैसा आता है पंद्रह स्टेट्स इंडिया की जो टोटल जी इंडिया का है, जो है उसका फिफ्टी परसेंट सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूट करती है सो राइट द द लिस्ट अकॉर्डिंग टू द डाटा फ्रॉम ट्वेंटी ट्वेंटी वन के डाटा के हिसाब से या फिर ट्वेंटी टू ट्वेंटी का भी अगर आपको मिल जाए तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मेक दैट लिस्ट कि कौन सी कंट्री में मैक्सिमम यू नो एफडीआई आता है या सॉरी नॉट एफडीआई जीवीए किस कंट्री का सबसे किस स्टेट का सबसे ज़्यादा है फ्रॉम स्पेसिफिकली सर्विस सेक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नेक्स्ट इंश्योरेंस सेक्टर इंश्योरेंस सेक्टर की बात करें तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देते हैं ऐसा आपको पता है कि नाइनटीन तक इंडिया एक क्लोज इकॉनमी थी इसलिए इंश्योरेंस सेक्टर जो था वो कंट्रोल था पब्लिक ही था ठीक है और यूनियन लिस्ट में आता था एज एज़ पर द सेवन शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड देर आर ओनली टू कंपनीज़ आई थिंक एल आई सी एंड जी आई सी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन एंड जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ये दोनों पब्लिक कंपनीज थी और यही दो स्टेट इंश्योरेंस एग्जिस्ट करते थे लिबरलाइजेशन के पहले आफ्टर दैट 1990 में पब्लिक कंपनीज को भी अलाउ किया गया टू कम इनटू द फील्ड ऑफ यू नो इंश्योरेंस द इंडियन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट जो है वो 1912 में एनेक्ट हुआ था और टू रेगुलेट द इंश्योरेंस सेक्टर करंटली इस वक्त फिफ्टी इंश्योरेंस कंपनीज है जिसमें से ट्वेंटी लाइफ इंश्योरेंस और थर्टी नॉन लाइफ इंश्योरेंस पर काम करती है लाइफ इंश्योरेंस बेसिकली सो द आइडिया इज दे आर जस्ट ब्रीफली आपको समझा रही हूँ मैं कि इंश्योरेंस क्या होता है इन केस इन केस देर इज़ सम कन्फ्यूजन पीपल पे सर्टन अमाउंट एवरी ईयर ठीक है विच इज कॉल्ड प्रीमियम एंड द आइडिया इज दैट इन केस ऑफ सडन डिमाइस ऑफ अ पर्सन देयर फैमिली विल भी इंश्योर्ड टू गेट सम लम सम अमाउंट एंड हाउ डज द कंपनीज मेक प्रॉफिट ऑन दिस दो तरीके से एक तो यह प्रॉफिट बनाते हैं बिकॉज अगर दस लोग यू नो प्रीमियम लेते हैं तो देर इज़ दस अ गुड प्रोबेबल प्रोबेबल कॉज होता है कि उससे मे बी टू ऑफ देम विल हैव सच इशू राइट सो रेस्ट एट ऑफ देम माई डि नॉट हैव द इशू सो देर दे आर एबल टू सेव प्लस मतलब उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बाकी आठ लोग हैं उनका प्रीमियम उनके पास चले जाता है एंड नेक्स्ट इज जो प्रीमियम पे होता है वो जो है ये कंपनी यूज़ करती है ट्रेड करने के लिए और उस पर रखे रखे पैसे कमाती है सो दीज आर टू एवेन्यूज थ्रू विच द कंपनीज अर्न ओके एंड देर आर सिक्स पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस तो दो तो हैं देर एल आई सी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन देर इज़ जी आई सी विच इज़ जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन उसके बाद आता है ए आई दैट इज़ एग्रीकल्चर इंश्योरेंस देन देर इज़ ओ आई और इंश्योरेंस देन देर इज़ एन आई नैशनल इंश्योरेंस देन देर इज़ यू आई आई यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस एंड फाइनली देर इज़ एन आई ए नैशनल न्यू इंडिया इश्योरेंस तो so, ये सेवन पब्लिक कंपनीज़ हैं इन द सेक्टर ऑफ इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन नाइनटीन में फाउंड हुई थी अंडर द लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन एक्ट मर्जिंग फोर टू उस वक्त 245 जो अलग अलग इंश्योरेंस कंपनीज और प्रोविडेंट सोसाइटीज़ थी उसको मर्ज करके एल बनाई गई थी इसका ऑब्जेक्टिव बस ये था कि सोशल सिक्योरिटी के लिए लोगों को इंकरेज करना कि वो लाइफ इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करें और लोगों की सेविंग्स को इंश्योरेंस प्रीमियम के पॉइंट से बेसिकली यू नो you know, रखना ठीक है मोबिलाइज करना सो दैट बिकॉज एक एट द एंड ऑफ द डे एक देश की जो सेविंग्स होती है वही यूज़ होती है उसका आगे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने में राइट गवर्नमेंट एंड द कम बैंक्स दैट वी पुट आर मनी इन दे यूज़ इट टू मेक इंडिया बेटर राइट सो वो करने के लिए प्लस एक जनरल सिक्योरिटी के लिए करा था एल जो है सिक्सटी जो है मार्केट होल्ड करती है शेयर उसके बाद देर इज दीज अदर वंस विच इज़ एच अदर प्राइवेट वन आई प्रडेंशियल एस बी आई लाइफ एंड मैक्स लाइफ तो लाइफ इंश्योरेंस के सेक्टर में सिक्सटी वन परसेंट सिक्सटी सेवन परसेंट मार्केट शेयर जो एल आई सी का है और एज ऑफ नाउ इन टर्म्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस वाले सेक्टर में एल आई सी एकमात्र पब्लिक इंश्योरेंस है एज ऑफ थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी वन ठीक है तो दिस इज आइडिया दूसरे इंश्योरेंस में और दूसरी पब्लिक कंपनीज जनरल इंश्योरेंस जी आई सी ये हुई थी गवर्नमेंट नेशनलाइज हंड्रेड एंड सेवन प्राइवेट सेक्टर कंपनीज तो एक सौ सात प्राइवेट सेक्टर कंपनी थी इन जनरल इंश्योरेंस जिसको गवर्नमेंट नेशनलाइज कर दिया था पब्लिक कर दिया था जिसमें से फिफ्टी फाइव इंडियन थी फिफ्टी टू फॉरन इंश्योरेंस कंपनीज थी और आफ्टर द मर्जर एंड कंसोलिडेशन जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेश ने रिकॉग्नाइज किया कि उनकी चार सब्सिडरीज है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी द न्यू इंडिया इंश्योरेंस ओरिएंटल इंश्योरेंस एंड यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस तो ये चार जो है ये जीआईसी की सब्सिडीज है नवंबर 2000 में जीआईसी को इंश्योरेंस कंपनी से री इंश्योरेंस कंपनी बोल दिया गया था बना दिया गया था एंड इट वॉज नोन एज जी आई सी आरई वॉट इज री इंश्योरेंस कंपनी जैसे आर बी आई इज अ बैंकर्स बैंक वैसे जी आई सी इज इंश्योरर कंपनीज का इंश्योरर ओके सो देन आप ऑन मार्च ट्वेंटी फर्स्ट टू थाउजेंड थ्री मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने उनकी जो चार सब्सिडरीज थी उनसे डीलिंग कर दिया ठीक है वो अपनी अपनी so सो ये एक अपना एक ऑर्गेनाइजेशन हो गई और बाकी जो चार थी वो इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन हो गई जिसकी यू नो डी इन्वेस्ट कर दी होल्डिंग्स मतलब कि जी ने इसकी इन, इनको बेच दिया टू द गवर्नमेंट और ये चार कंपनी जो है अब वो फुली इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनीज बन गई है सो दैट्स हाउ दीज फोर केम इन टू बी नेक्स्ट इज़ एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड एल और जी के बाद दिस इज द नेक्स्ट गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनी जो जिसका मेन काम है एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करना इट फोकसेज ऑन फार्मर्स नीड्स ओके और सॉइल जो एग्रीकल्चर uh, क्रॉप है उसको इंश्योर करना ताकि इंडिया में एग्रीकल्चर एक सस्टेनेबल यू you नो know, सेक्टर बन सके इसका ऑपरेशंस जो थे इस कंपनी के ये 2003 में चालू हुए थे और ये 1999 में बनी नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम जो है उसको अब एडमिनिस्टर करती है 2016 में इसके बाद से ए जो ए जो है वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है उसको uh, देखती आई है हाउ इज़ ए आई सी आई एल यू नो कौन ओन करता है तो थर्टी परसेंट जो शेयर्स हैं वो नाबार्ड के पास है विच इज़ नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट एंड थर्टी फाइव परसेंट जो है वो जी आई सी आर ई ओन करती है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉपरेशन डी आई सी जी सी डी आई बोलेंगे इसको पहले ये दो अलग अलग कंपनीज होती थी डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉपरेशन और एक क्रे क्रेडिट गारंटी ऑपरेशन होती थी दोनों को कंबाइन करके 1978 में ये सिंगल ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी इनका मेन काम है प्रोटेक्ट डिपॉजिट्स जैसे अब क्या है बैंकिंग सिस्टम आप और हम अपने सैलरी को कैश में नहीं लेते हैं ज़्यादातर वी प्रेफर टू कीप इट इन द बैंक वट एवर एक्स्ट्रा मनी वी हैव क्योंकि हमें बैंक पे भरोसा है राइट right? अगर मान लो अगर हमें बैंक पे भरोसा नहीं होता तो फिर लोग नहीं रखते पुराने ज़माने में लोग हमेशा गिनो घर में गाड़ के रखते थे पैसे बिकॉज देव दे ट्रस्टेड सो ये बेसिकली आइडिया है ताकि और अगर लोग ज़्यादा बैंक में पैसा नहीं रखेंगे तो फिर वो पैसा जो है इकॉनमी uh, से हट बाहर निकल जाएगा विच इज़ नॉट गुड ये पैसा बैंक में जाता है तो इसका फिर रीपर्पज़ होता है री यूज होता है जिससे इकोनॉमी बढ़ती है तो गवर्नमेंट चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना पैसा बैंक में रखें लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि लोगों को आश्वासन हो कि उनका पैसा कहीं नहीं जाएगा तो उसके लिए ये ऑर्गेनाइजेशन है ये क्या करती है जितने भी लोग पैसे अपने बैंकिंग सिस्टम में डिपॉजिट करते हैं उनको प्रोटेक्ट करती है इनकेस अगर कुछ हो जाता है बैंक में तो दे विल गिव द मनी डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी सर्विस फॉर बैंक इन इंडिया तो ये बैंक को इंश्योर करती है uh, एक ये फुली ओन्ड सब्सिडी है और इसको रिजर्व बैंक आर इसको ओन करती है और रेगुलेट भी करती है डी आई सी जी आई जो है वो सारी बैंक डिपॉजिट्स को इंश्योर करता है इंक्लूडिंग सेविंग्स फिक्स करंट रियकरिंग डिपॉजिट एक्सेप्ट अगर कोई फॉरेन गवर्नमेंट पैसा भेज दिए तो नहीं करेगा अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट कोई डिपॉजिट करे तो उसको नहीं करेगा इंटर बैंक के अंदर जो डिपॉजिट होते हैं उनको नहीं करेगा डिपॉजिट ऑफ स्टेट लैंड डेवलपमेंट बैंक एंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक को भी इंश्योर नहीं करता है क्योंकि दीज आर अ लिटिल यू नो रिस्की तो वो इट्स फोकस इज ऑन समवेयर एल्स उसके अलावा अगर कोई इंडिया के बाहर से डिपॉजिट आते तो उसको इंश्योर नहीं करता है और अगर कोई डिपॉजिट है जो इनमें से नहीं है लेकिन उसको पहले से ही आर ने बोल दिया कि ये इंश्योर नहीं होगा तो उसको भी लाइक like बेसिकली एक तरीके से बोल सकते हो इनके अलावा जो अलाउड हैं उनके ऊपर भी आरबीआई का हक है अगर आर ने पहले से बोल दिया कि हम इसको इंश्योर नहीं करेंगे तो फिर वो इंश्योरेंस के अंडर नहीं आएगा अब बात करते हैं इंश्योरेंस रिफॉर्म्स के कि ओवर द ईयर इंडिया का इंश्योरेंस सेक्टर किस तरीके से रिफॉर्म हुआ है नाइनटीन में जब हमारा इकोनॉमिक रिफॉर्म हो रहा था तब एक इंश्योरेंस रिफॉर्म कमेटी आई बनी थी जिसको स्टेबलिश किया गया था नाइनटीन नाइनटी थ्री में एंड वॉज चेयर बाय आर एन मल्होत्रा इस कमेटी ने क्या मल्लोत्रा कमेटी ने क्या रिकमेंडेशन दिए थे सबसे पहले उन्होंने बोला था कि भाई एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाओ इंश्योरेंस सेक्टर के लिए गवर्नमेंट की ठीक है तब उसके कारण बनी थी आई आर डी ए विच इज़ इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी इन नाइनटीन नाइनटी नाइन उसके बाद उन्होंने कहा कि जो अभी तक क्या था नाइनटीन नाइन्टी तक आ, इंडिया का जो पब्लिक सेक्टर है मतलब गवर्नमेंट जो है हंड्रेड परसेंट ऑफ ऑल द इंश्योरेंस सेक्टर यूज टू बी अंडर पब्लिक राइट तो उन्होंने बोला कि देखो तो आप रिड्यूस करो आप अपना सरकार का जो इंश्योरेंस का सेक्टर है उसको रिड्यूस करो और इसमें प्राइवेट सेक्टर के लोगों को एंट्री दो अप टू फिफ्टी परसेंट मतलब फिफ्टी परसेंट शुड भी ओन बाय गवर्नमेंट रेस्ट फिफ्टी शुड भी पब्लिक उसके बाद उन्होंने कहा कि जो जी आई सी है जनरल इंश्योरेंस कंपनी उसको और उसकी सब्सिडरीज को अलग करो और डिसेंट्रलाइज एल आई सी क्योंकि एल आई सी उस वक्त नेशनल लेवल पर था और उन्होंने कहा कि आप काम करो पहली बात तो इसको डिसेंट्रलाइज़ करो कि उसके अंडर जो कंपनीज़ है उनको इंडिपेंडेंस दो और उनको सबको बोलो कि वो ये कंपनीज एक्ट के लॉ के हिसाब से काम करें क्योंकि इसके अलावा जितनी भी कंपनीज़ थी वो सब इसी एक्ट के अंदर आती थी पर एल नहीं आती थी तो उन्होंने कहा कि एल को भी डिसेंट्रलाइज करके और उसको भी इसी कंपनीज एक्ट के हिसाब से फंक्शन करने के लिए बोलो नेक्स्ट द नेक्स्ट रिकमेंडेशन था कि भाई फॉरेन इन्वेस्टमेंट को परमिट किया जाए बट ओनली विथ इंडियन कंपनीज कोलेबोरेट रही हो तब इससे पता क्या हुआ और स्पेशली जब उसके बाद उन्होंने उसको ऑटोमेटिक रूट दे दिया कि अगर आप इंडियन कंपनी एफ ले रही तो डायरेक्टली ले सभी उनको की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है उसके बाद एफ ने इंश्योरेंस सेक्टर में फोर्टी का इंक्रीज देखा और हंड्रेड इंक्रीज देखा इंटरमीडिएट इंटरमीडिएटरीज में सो दिस वॉज अ रियली ग्रेट एफर्ट क्योंकि इंडिया का जो इंश्योरेंस uh, सेक्टर था वो बहुत कैश स्टाफ था तो फॉर दैट पॉइंट ऑफ व्यू दिस रिकमेंडेशन मेट दैट नाउ इवन द इंश्योरेंस कंपनीज विल गेट फॉर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इमरजिंग ट्रेंड्स इन इंश्योरेंस सेक्टर सो उसके ये सब हो जाने के बाद नाइनटीन नाइनटीज नाइन्टीज़ फाइव के बाद से क्या ट्रेंड हमने नोटिस करे सबसे पहले तो एक नया डिस्ट्रीब्यूशन चैनल निकला है बैंकश्योरेंस विच इज़ एज दर्ड सजेस्ट जब बैंकिंग इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो इंश्योरेंस देते हैं तो उसे बैंकश्योरेंस कहा जाता है उसके बाद ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल जो कॉपोरेशंस uh, हैं उनकी आउटरीच एक्सपांड हुई है और उनकी कॉस्ट कम हुई है बिकॉज दे आर एबल टू गिव इंश्योरेंस लाइक दैट कई सारे प्राइवेट प्लेयर्स आ चुके हैं अब मार्केट में और उसके अलावा इनोवेटिव प्रोडक्ट्स आ चुके हैं जो पहले नहीं थे बिकॉज गवर्नमेंट जब कंट्रोल करती है ना तो गवर्नमेंट जस्ट ट्राइज टू मैनेज इट ज़्यादा इनोवेशन नहीं हो पाता है पब्लिक सेक्टर में तो क्योंकि प्राइवेट सेक्टर अब एंटर हुआ है तो इसलिए हम देख रहे हैं कि कई सारे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स आए हैं कई सारे ऑटोमेशन और कस्टमाइजेशन अब होने लगे हैं इंश्योरेंस सेक्टर में इंश्योरेंस स्कीम सपोर्टेड बाय गवर्नमेंट फर्स्ट इज़ आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आयोग योजना कुछ क्लासेस पहले एक कमेंट आया था जो आई फेल्ट आई शुड टॉक अबाउट इट लिटिल बिट आई वाज टॉकिंग अबाउट सिमिलर योजना प्रधानमंत्री यू नो जन धन योजना और समथिंग एंड किसी ने कमेंट किया कि दिस साउंड लाइक मोदी इकोनॉमिक्स एंड आई वॉन्ट टू मैंशन हियर कि हम जिस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं मैं जिस एग्जाम के लिए पढ़ा रही हूँ

पावर में और किसने ये लेके आए हैं या किस क्या चीज़ का इस्तेमाल कैसे हो रहा है यू शुड ओनली फोकस ऑन क्या पॉलिसी है और किस पॉइंट ऑफ व्यू से वो लाया गया है कब लाया गया है क्या उसका फ़ायदा हो रहा है शुड सिम लिमिट योर सेल्फ फ्रॉम दैट क्योंकि ऐसा नहीं है कि मेरे पास अपने पॉलिटिकल ओपिनियंस नहीं है एंड हाउ एवर नीदर माई पोलिटिकल ओपिनियंस आर इम्पॉर्टेंट नॉर यू शुड लेट योर्स डिक्टेट वॉट यू स्टड यूर नॉट ठीक है तो वेन एवर आई नो इट्स डिफिकल्ट स्पेशली कुछ कम्युनिटीज के लिए जो बहुत ज्यादा अफेक्टेड है आज की पॉलिटिक्स से आपके लिए बहुत मुश्किल हो सकता है अपने आप को इस तरीके से डिटैच करना बट ट्राई ट्राई टू थिंक ऑफ यू नो वैन यू रीडिंग अबाउट डिज पॉलिसीज थिंक ट्राई टू थिंक ऑफ दम इन अ बबल विच इज़ यू नो अवे फ्रॉम द करंट पॉलिटिक्स नॉट बिकॉज इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट यू शुड डेफिनेटली एज अ सिटीजन यू हैव द राइट टू क्रिटिसाइज द गवर्मेंट यू हैव यू शुड इट इज योर ड्यूटी टू क्रिटिसाइज एंड कीप चेक ऑन द गवर्नमेंट ओके बट एज अ स्टूडेंट स्टडिंग टू बिकम अ ब्यूरोक्रैट इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट दैट यू डू नॉट लेट योर पोलिटिकल ओपिनियन यू नो इन्फ्लुएंस यू दैट मच तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है यू पी एस सी पढ़ाई का कितना आप अपने आप को अपनी पोलिटिकल ओपिनियंस को अपनी पढ़ाई से दूर रख सकते हो सो दैट्स दिस दैट्स वाई आई लाइक वेन आई रेड आई डोंट केयर इफ यू राइट मोदी इकनॉमिक्स कांग्रेस इकोनॉमिक्स इट्स फाइन फॉर मी वैट वट हाउ एवर यू सी इट इट डजेंट मैटर टू मी जस्ट दैट आई डोंट वॉन्ट माई स्टूडेंट्स टू नॉट क्लियर द एग्जाम और बिकॉज यू नो देअर पोलिटिकल अंडरस्टैंडिंग्स गॉट इन देयर वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स सो इसको प्योरली सब्जेक्टिव पॉइंट से थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करेंगे अपनी ओपिनियंस को अपने पास रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा पब्लिक लाइफ अपने प्राइवेट लाइफ में उसको एक्सप्रेस करो यू हैव योर राइट्स टू टेल एवरी वन अराउंड यू इन योर प्राइवेट सेक्टर व्हाट काइंड ऑफ पोलिटिकल ओपिनियन यू हैव आई सटनली डू बट दिस इज़ नॉट अ स्पेस एंड दिस इज स्पेसिफिकली नॉट बिकॉज ऐसा नहीं है मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई स्पेस है जो पोलिटिकल नहीं है एवरी स्पेस इज़ अ पोलिटिकल स्पेस वी आर पोलिटिकल ह्यूमन्स एट द एंड ऑफ द डेज यू नोसोशल एंड पोलिटिकल बींग्स हाव एवर इट्स फॉर योर फायदा मुझे कुछ नहीं होता है मुझे ऐसा लगता है कि स्टूडेंट्स का नुकसान होता है अगर हम अपने पोलिटिकल व्यूज़ को लेके आते हैं तो सो दैट यू शुड फोकस ऑन नेक्स्ट uh, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन योजना गवर्नमेंट ऑन हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम है जिसमें करीब टेन पॉइंट सेवन फोर करोड़ हाउस होल्ड नेशन वाइड कवर होते हैं uh, ये जो है इस जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना है ये इसके अंडर ही आता है और बेनिफिशियरी कैसे सिलेक्ट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ तो ये जो सोशियो इकोनॉमिक uh, कास्ट सेंसेस आता है उसके हिसाब से डिसाइड किया जाता है कि कौन कितना मतलब कौन सी कम्युनिटी सबसे ज़्यादा डिप्राइव्ड और है और कौन से ऑक्यूपेशन सबसे ज़्यादा डिप्राइव्ड है जैसे यू नो फार्मर्स हो गए या फिर पीपल वर्किंग एज एग्रीकल्चर लैंडलेस लेबर तो दे फोकस ऑन दीज कम्युनिटीज़ हु आर मार्जिनलाइज टू गिव दैम इंश्योरेंस फ्रॉम गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू आम आदमी बीमा योजना ये एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम है सोशल सिक्योरिटी क्या होती है बेसिकली द आइडिया इज़ कि अगर किसी कारण से जो इन, अगर एक इंसान जो फैमिली में काम कर रहा है वो uh, उसको कुछ हो जाता है और वो नहीं काम कर पा रहा है या फिर वो जहाँ काम करता था वो सेक्टर में एक डाउनफॉल आ रहा है और ही इज़ लाइक योर शी इज़ आउट ऑफ बिजनेस इन दैट केस दिस सोशल सिक्योरिटी इज़ प्रोवाइडेड स्पेशली दिस इज़ फॉर लैंडलेस रूरल एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर लेबर्स बिकॉज दे वर्क सीजनली तो कई बार क्या होता है कि सीजन में काम मिलता है नॉन सीजन में काम नहीं मिलता है और क्योंकि उनके पास लैंड नहीं है तो दे आर एट द मर्सी ऑफ़ दोज हु हैव द लैंड तो अगर किसी बार वो जिस पे काम कर रहे हैं उन्होंने बोल दिया कि इस बार खेती नहीं करनी या तुम ज़्यादा पैसे ले रहे हो तुम्हें नहीं रखा किसी और कर लिया इन दैट केस दीज डोंट हैव अ लॉट ऑफ अदर ऑप्शन तो उनके लिए ये बीमा है दो सौ पर पर्सन पर, पर एन जो है इक्वली शेयर होता है गवर्नमेंट और स्टेट में लोग कुछ पे नहीं करते हैं ठीक है गवर्नमेंट ही पे करती है रखती है उनके नाम से और ये आम आदमी बीमा योजना प्रीमियम फंड स्टैब्लिश किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो कॉन्ट्रीब्यूट करती है दिस टू हंड्रेड रुपीज पर पर्सन अकॉर्डिंग टू दैट दिस इज़ फॉर हेड ऑफ़ द फैमिली या जो भी और वन अर्निंग मेम्बर कोई भी एक अर्निंग मेबर या एक हेड ऑफ़ फैमिली जो 18 से 59 इयर्स के बीच में हो उनको ये बीमा दिया जाता है नेक्स्ट इज प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना ये एक गवर्नमेंट बैग्ड लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है जो 2015 में लॉन्च की गई थी इसका एम यह है कि इंश्योरेंस कवर इंक्रीज किया जाए बिकॉज इंडिया में सिर्फ बीस परसेंट लोग हैं जो एक्चुअली में इंश्योरेंस कवर लेते हैं और विच इज़ नॉट अ गुड डाटा तो इसीलिए उन्होंने बेसिकली एक ये इंश्योरेंस अवेलेबल करवाया है फॉर इंडिविजुअल अट्ठारह से पचास साल की उम्र में जिनके पास बैंक अकाउंट है एनुअल प्रीमियम थ्री थर्टी रुपीज़ है एक्सक्लूडिंग सर्विस टैक्स ऑटोमेटिकली उनके अकाउंट से डिडक्ट हो जाता है और उनको दो लाख तक का यू you नो know, प्रीमियम मतलब दो लाख रुपए मिलते हैं इन केस ऑफ डेथ तो उनके उन्होंने जो नॉमिनी रखा है उनको दो लाख रुपए मिलेंगे इन केस अगर इस इंसान की डेथ हो जाती है तो नेक्स्ट इज प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना गवर्नमेंट बैंक है एंड एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम है 2015 में लॉन्च हुई थी 18 से 70 साल की उम्र के जितने भी लोग हैं जिनके पास बैंक अकाउंट है उनके लिए है बारह रुपये कटते हैं सर्विस टैक्स एक्सक्लूड करके दो लाख का प्रीमियम मिलता है नॉमिनी को अगर डेथ हो जाती है एक्सीडेंटल फुल डिसेबिलिटी होती है तो भी दो लाख रुपए मिलते हैं पार्शल डिसेबिलिटी होती है तो एक लाख रुपए मिलते हैं तो ये गवर्नमेंट पॉलिसीज़ चलाई जा रही है अब बात करते हैं इंश्योरेंस सेक्टर्स जो है इंडिया का उसकी चैलेंजेस क्या है और कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है इस वक्त सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हमारे इंडिया के इंश्योरेंस सेक्टर को ये है कि इंश्योरेंस पेनिट्रेशन बहुत कम है मतलब कि अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी दे डो नॉट हैव एनी इंश्योरेंस ऑफ एनी काइंड सो so, उसके बाद क्रेडिबिलिटी सेक्टर की बहुत कम है क्योंकि आ, आपने सुना होगा ये चीज़ कि बहुत धक्के खाने पड़ते हैं टू एक्चुअली गेट द इंश्योरेंस ठीक है पहले आप पहले आपको खर्चा करना पड़ता है फिर आप अप्लाई करते हो फिर पता नहीं आपको इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा वो बहुत डाइसी है तो इसलिए क्रेडिबिलिटी अच्छी नहीं है इनोवेटिव प्रोडक्ट्स नहीं हैं पब्लिक सेक्टर बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है अर्बन रूरल एरिया में बिल्कुल इंश्योरेंस किसी का नहीं है अर्बन एरिया में बहुत सबसे ज़्यादा फोकस्ड है और उसके बाद कैपिटल स्टाफ है मतलब इतना पैसा नहीं है इंश्योरेंस कंपनीज के पास में कि वो यू नो you know, और आ, अपनी एक्शन एरिया को और बढ़ा सके और उसमें इतना कैपेसिटी नहीं है उनके लिए व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या गवर्नमेंट कर सकती है इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि ये सब ना हो सबसे पहले तो माइक्रो इंश्योरेंस बैंक इंश्योरेंस ऐसे इस तरीके के अलग अलग प्रोग्राम्स को यू नो एक्सप्लोर किया जाए उसके बाद बैंकिंग करस्पॉन्डेंट्स स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक्स को भी हेल्प ली जाए इंश्योरेंस देने में प्रोएक्टिव रोल हो आई जो है ना उसका काम वो सिर्फ यू नो सुपरविजन करता है वो बस ये देखता है कि कोई किसी की धोखाधड़ी तो नहीं कर रहा है कोई किसी सब जो जो रूल्स बनाए हैं उसके हिसाब से चल रहे हैं या नहीं चल रहे वो प्रोएक्टिव रोल नहीं रहता है वो उस प्रोसेस को और अच्छा करने के लिए कोई एक्शन नहीं लेता है तो उन्होंने कहा कि वी हैव टू मेक श्योर वी हैव टू मेक श्योर दैट आई जो है वो थोड़ा प्रोएक्टिव रोल ले उसके अलावा टर्म्स और कंडीशन जो होती है वो थोड़ी सिंपल और ट्रांसपेरेंट हो बिकॉज यू नो आज भी लाइक uh, like, मेरा ज़्यादातर एक्सपीरियंस लाइफ में हेल्थ इंश्योरेंस से ज़्यादा रहा है एज़ कम्पेयर टू लाइफ इंश्योरेंस बट द सिंपल यू नो लैंग्वेज जो यूज़ की जाती है इंश्योरेंस कंपनी स्पेशली प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी के साथ लूप होली बहुत ज़्यादा लूप होल्स होते हैं सो दे लाइक कैनो इफ यू गो टू दिस पर्टिकुलर डॉक्टर टू दिस पर्टिकुलर हॉस्पिटल ओनली दैन अदरवाइज उसमें भी यू you नो know, डॉक्टर्स को जैसे ही पता चलता है कि यू हैव इंश्योरेंस दे द हॉस्पिटल स्टार्ट चार्जिंग अबोरेंटली एंड देन द इंश्योरेंस कंपनीज़ लाइक हम इतना नहीं देंगे दिस एंड दैट सो टर्म्स और कंडीशन किस में मिल सकता है किस में नहीं मिल सकता है वो क्लियर नहीं है तो उनको और क्लियर बनाया जा सके ताकि लोगों को थोड़ा विश्वास हो टेक्नोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट किया जा सके और जितनी भी फ्रॉड यूलेंट एक्टिविटीज़ होती है उसको बंद किया जाए ताकि इंश्योरेंस की क्रेडिबिलिटी बढ़े तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग यू नो दे वुड प्रिफर टू गेट इंश्योरेंस ना लेट्स मूव ऑन टू द अदर सब सेक्टर ऑफ सर्विस सेक्टर टूरिज़्म इंडिया में टूरिज़म की ग्रोथ जो है वो बिकॉज ऑफ़ कोविड डिक्लाइन हो रही है उसके कारण यू नो फॉरन एक्सचेंज कम हो गया है और इसके लिए गवर्नमेंट बेसिकली एक विजन बनाया है गवर्नमेंट ने कि किस तरीके से वो दो हज़ार तीस तक चाहती है कि इंडिया का फॉरैक्स जो है वो फिफ्टी सिक्स बिलियन यू एस डॉलर तक पहुँच जाए और वन फोर्टी मिलियन जॉब्स वो इंडिया के ट्रेड टूरिज़्म सेक्टर में यू you नो know, क्रिएट कर सके uh, इसके लिए उन्होंने एक ये डिप्लॉयमेंट ऑफ ग्रोथ बैंक क्रेडिट किया है फॉर टूरिज्म होटल एंड रेस्टोरेंट्स 0.65 लाख करोड़ एज पर द नवंबर 22-23 ये इकोनॉमिक सर्वे जो था 22-23 में उसके हिसाब से उन्होंने रिकमेंड किया है कि दिस नीड्स टू बी डन अगर आ, इंडिया चाहता है कि यू नो उनका टूरिज्म सेक्टर बढ़े इंडिया एशिया पैसिफिक में सिक्सथ पोजिशन पर है और वर्ल्ड में फिफ्टी पोजीशन पे है इस वक्त सो वी हैव डेफिनेटली अ लॉट ऑफ पोटेंशियल बट वो पोटेंशियल इतनी रियलाइज नहीं है थोड़ा सा डाटा देखते हैं इसको समझने के लिए ट्रेंड्स देखते हैं टूरिज़्म में दो हज़ार इक्कीस में इंडिया में सेवन मिलियन इंटरनेशनल टूरिस्ट आए थे जो पिछले दो हज़ार उन्नीस से कम थे बट दिस बेसिकली हैपन बिकॉज ऑफ कोविड सो बट अदरवाइज इससे रिकवर करने की अब ज़रूरत है सबसे ज़्यादा यू से यू एस ए से आते हैं उसके बाद बांग्लादेश यू के कैनेडा एंड सो ऑन एंड टू थाउजेंड नाइनटीन वर 2.3 बिलियन डोमेस्टिक टूरिस्ट सो डोमेस्टिक टूरिज्म भी इंपैक्ट करता है बिकॉज अब होटल है दिल्ली में तो वहाँ पे से फॉरेनर्स नहीं आके रहते हैं, ना वो साउथ से भी नॉर्थ ईस्ट से भी लोग आके रहते हैं तो इवन लोकल टूरिज्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट पॉइंट ऑफ व्यू तो वो भी ऑफ ऑफकोर्स कोविड के कारण 2021 में बिल्कुल ख़त्म हो गया था 2021 में इंडिया ट्रैवल और टूरिज़्म इंडस्ट्री ने करीब सेवन वन सेवन बिलियन एड करे थे जी को विच इज़ गुड बट इट इट नॉट बिग इनफ एंड इट इज़ ऑल्सो समथिंग जो कोविड के कारण बहुत ख़राब हो गया सो दे सॉर्ट ऑफ ट्राइंग दिस न्यू इनिशिएटिव क्योंकि पहले इफ़ यू रिमेंबर अमिताभ बच्चन की वो एड जाती थी, थी कभी यू you नो know, आओ uh, समय बिताओ गुजरात में राजस्थान की मध्य प्रदेश की बहुत क्यूट क्यूट सी एड आती थी टूरिज़म की सो दैट आर एक्चुअली वर्किंग इन टूरिज़्म और इंडिया में ना थोड़ा सा रिलीजियस टूरिज़्म भी बहुत ज़्यादा है सो so, वो भी बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट चाहती है अब स्पेशली कोविड के बाद से द टॉप स्टेट जिसमें इंटरनल टूरिज्म सबसे ज़्यादा है वो है तमिलनाडु फॉलोड बाय उत्तर प्रदेश कर्नाटका 2020 में 58.4 परसेंट फॉरेनर्स जो इंडिया में आए थे वो लीजल के लिए आए थे 11 परसेंट जो बिजनेस और प्रोफेशनल रीज़न के लिए आए थे एंड दिस वी गोइंग टू स्टडी इन डिटेल द मेडिकल टूरिज़्म आगे उसके बाद फॉरन एक्सचेंज देखो काफ़ी बढ़ रहा था बट दे द डाटा इज फ्राम टू से ट्वेंटी बट दैन अगेन ट्वेंटी में आगे यहाँ पे क्रैश हो गया एंड सेम यू कैन सी कि जो पैसेंजर ट्रैफिक था एयरपोर्ट पे क्योंकि एयरपोर्ट ट्रैफिक से भी बेसिकली बहुत ज़्यादा यू नो इनकम आती है तो वो देखा गया कि ऑफकोर्स डिक्लाइन हो गया बट डोमेस्टिक रिग डोमेस्टिक जो था वो तो वापस बढ़ गया ट्वेंटी 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 वन के बाद कोविड के बाद लेकिन आप देख रहे हो कि वही सेम इंक्रीज जो है वो इंटरनेशनल या फॉरेन टूरिज्म में नहीं आया है तो एक एरिया ऑफ टूरिज़्म जहां इंडिया सबसे सब ज़्यादा सब फोकस कर रहा है इट्स कॉल्ड मेडिकल टूरिज़म विच बेसिकली मीन्स कि जब किसी देश में लोगों को लगता है कि उनके यहाँ की मेडिकल फैसिलिटी बहुत महंगी है uh, अच्छी से नहीं अच्छी नहीं है एंड इफ आर लुकिंग फॉर गुड और चीप मेडिकल सर्विसेज वो कभी कभी uh, ट्रैवल करते हैं दूसरी कंट्रीज़ में और वहाँ पे जाके प्रोसीजर्स कराते हैं इंडिया बहुत फेमस है क्योंकि कार्डियोलॉजी ऑर्थोपेडिक्स ट्रांसप्लांट और ऑप्थेमोलॉजी uh, इसमें इंडिया बहुत अच्छा वेलनेस और सॉरी वेलनेस और अल्टरनेटिव मेडिसिन में भी बहुत uh, आगे है बिकॉज हम बहुत ही एडवांस फेटलि फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं हमारे पास कई सारे स्किल्ड डॉक्टर्स है और ट्रीटमेंट का कॉस्ट बहुत कम है एंड जब लोग बाहर से आते हैं तो दे नॉट ओनली स्पेंड इन देल्थ नो हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर बट दे ऑल्सो ट्रैवल राइट तो वो जब ट्रैवल करते हैं तो वो 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 भी खर्चा होता है वो रहते हैं यहाँ पे यू नो समाइम्स ऑपरेशन टेक्स वन ईयर वन मंथ टू मंथ पीपल का मीन स्टेयर फॉर वन मंथ दैट ऑल्सो वुड मीन यू नो इनक्रीजिंग इनकम तो उसके अलावा कई सारी पॉलिसीज़ भी प्रपोज की गई है ताकि इसके साथ साथ ट्रीटमेंट एलोपैथी और आयुष मतलब इंडियन जो आ, ट्रेडिशनल मेडिसिन है उसको भी बढ़ावा दिया जाएन कॉमर्स मिनिस्ट्री जो है उस वो उसने एक ये लॉन्च किया है इंडिया हेल्थ टूरिज़्म जो कि अरेबिक रशियन और फ्रेंच में बेसिकली इंट्रैक्ट करता है ताकि वहाँ के लोग इन्फॉमेसन ले सकते हैं अबाउट इंडिया टूरिज़म एंड हेल्थ एज़ वेल Uh, कौन सी फैसिलिटीज़ है कहाँ पे अवेलेबल है इंडिया मेडिकल टूरिज्म इंडस्ट्री इस वक्त थ्री बिलियन पे वैल्यूड है एंड इट्स सेड दैट फोर्टी टू सिक्सटी बिलियन है ग्लोबल मार्केट सो देर इज ह्यूज पोटेंशियल देर नेक्स्ट इज इको टूरिज्म इको टूरिज्म इज बेसिकली लोग uh, ट्रेवल करते हैं उन जगहों पर जो इकोलॉजिकली सुंदर है प्रिजर्व है ने, नेचुरल जैसे यू नो uh, पार्क्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं ना रिज़र्व पार्क्स वगैरह माउंटेंस एंड प्लेसेस विच आर यू नो वेरी ब्यूटीफुल वेरी सिक्लूडेड तो वो टूरिज्म अगर देखा जाए तो इसे एक रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म के यू नो दे इट इन्वॉल्व बेसिकली रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म इन नेचुरल एरिया उस एरिया को कंजर्व करना इन्वायरमेंट को और वहाँ पर जो लोकल लोग रहते हैं उनकी वेलबींग well का ध्यान रखना और साथ में इंटरप्रिटेशन और एजुकेशन प्रोवाइड करना कि भाई अगर आप किसी पर्टिकुलर जगह पे जा रहे हो तो वहाँ पे यू नो हाउ शुड यू बिहेव इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि वो एरिया पोल्यूट ना हो या ख़राब ना हो उसके अलावा एक वेल प्लान्ड इको टूरिज़म जो है वो इकोनॉमिक सोशो कल्चरल इन्वामेंट सारे बेनिफिट दे सकता है गवर्नमेंट को भी प्राइवेट सेक्टर को भी और लोकल कम्यूनिटीज़ को भी क्योंकि लोग अगर आएंगे तो देखो आ, अगर आप जाओगे इफ़ यू कंपेयर से मध्य प्रदेश के भोपाल डिस्ट्रिक्ट के एक विलेज में जाओ और उसके बदले आप गोवा के किसी विलेज के विलेज में जाओ आपको स्टार्क डिफरेंस दिखेगा ठीक है द रीज़न सिंपली बिकॉज देर आर सो मेनी मोर टूरिस्ट कमिंग टू गोवा सो दैट बोथ डोमेस्टिक एंड फॉरन तो वहाँ पे क्या होता है एक तो लोगों के पास ज़्यादा पैसा है दे हैव मल्टीपल एवेन्यूज ऑफ अर्निंग यू नो वो लोग होटल भी चलाते हैं ड्राइविंग्स भी करते हैं टूरिज्म भी करते हैं दे ऑल्सो डू लॉट ऑफ अदर थिंग्स साइट एंड ऑल ऑफ दिस दे हेल्प इन ऑल द प्लस बिकॉज वहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं इसलिए वहाँ पे दूसरी दूसरी लैंग्वेजेस भी सीखने को मिलती है सो यू नो एन एंटायर कम्युनिटी थ्राइविंग फॉर ट्रांसलेशंस एंड सो ऑन तो वो फ़र्क पड़ता है तो सिर्फ नॉट ओनली गवर्नमेंट को uh, फ़ायदा मिलता है इको टूरिज़म का बट प्राइवेट सेक्टर और लोकल कम्यूनिटीज़ को भी मिलता है रेवेन्यू जनरेट होता है जॉब कम अपॉर्चुनिटीज आती है और लोगों को कि इनकम डाइवर्सिफाई होती है तो दे डोंट हैव टू डिपेंड ऑन जस्ट वन थिंग क्योंकि जितनी भी कोस्टल एरियाज फॉर दैट मैटर मोस्टली दे यूज टू डिपेंड ऑन फिशिंग और रिवॉल्व अराउंड फिशिंग बट बिकमिंग अ टूरिस्ट स्पॉट मीन्स दैट दे हैव मोर ऑप्शन अगर एक सेक्टर खराब हो जाता है तो दे कैन इजिली फाइंड जॉब इन अदर सेक्टर एंड मेक्स देम क्वाइट सिक्योर एंड मेक ब्रिंग्स अ लोड ऑफ मनी इन द कंट्री प्रॉपरली एग्जीक्यूटेड इको टेर टूरिज़्म जो है वो इन्वायरमेंट कंजर्वेशन और मैनेजमेंट इफ़र्ट्स को भी यू नो सपोर्ट करता है नेक्स्ट इज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस प्रोसेट प्रोजेक्ट प्रोसेस मैनेजमेंट आई टी बी पी एम सेक्टर इसके चार सब सेक्टर हैं आई टी सर्विसज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट एंड इंजीनियरिंग ये जो सर्विस है आई टी सर्विस ये फिफ्टी परसेंट रेवेन्यू टोटल जो देश यू you नो know, जो पूरे सेक्टर का जो टोटल रेवेन्यू है 2019-20 का उसका 50 परसेंट सिर्फ इस सेक्टर से आता है सो यू कैन अंडरस्टैंड हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ कई सारे पॉलिसीज हैं जो सरकार ने निकाली है जिसके कारण आ, इस हमारी सर्विस सेक्टर को स्पेशली आईटी सेक्टर को बहुत पुश मिला है जैसे कि स्टार्टअप इंडिया हो गया नेशनल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट पॉलिसी हो गया एड्रेसिंग इश्यूज़ रिलेटेड टू एंजल टैक्स एंजल टैक्स इज बेसिकली जब कोई कंपनी पब्लिक uh, होती है और इन्वेस्टमेंट लेती है मान लो किसी इंडियन इन्वेस्टर से तो क्या होता है कि अगर वो अनलिस्टेड कंपनी है तो उसकी और अगर उनको ऐसा लगता है कि शेयर की जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा एक्सेस है तो कई बार गवर्नमेंट क्या करती है दे कंसिडर एज अ अर्निंग और उस पर टैक्स लेवी करती है तो उससे रिलेटेड अगर जो इशूज उसको सॉल्व करना था कि यू नो ज़्यादा लोग इन्वेस्ट करना चाहें कंपनीज़ में और कई सारे इनोवेशन और टेक्नोलॉजी एडॉपशन इस सेक्टर में हुआ है अकॉर्डिंग टू नेसकॉम विच इज़ द नेशनल एसोसिएशन फॉर सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी विच इज़ एन इंडियन नॉन गवर्नमेंटल ट्रेड एसोसिएशन इंडिया जो है इट्स इमर्ज एज अ थर्ड लार्जेस्ट इको सिस्टम फॉर स्टार्टअप बिहाइंड चाइना एंड यू एस तो यू एस और चाइना के बाद इंडिया जो है सबसे बड़ा स्टार्टअप सेक्टर निकल के आया है ये इन्फोग्राफिक है जो इको सिस्टम स्टार्टअप इको सिस्टम को कंपेयर करता है इंडिया वर्सेज चाइना वर्सेज यूएस का टोटल फंडिंग देखी जाए तो ऑफकोर्स यूएस हैज़ वन पॉइंट वन ट्रिलियन चाइना है सिक्स टू फोर बिलियन डॉलर्स पर इंडिया की इज जस्ट वन हंड्रेड एंड ट्वेल्व बिलियन लेकिन टोटल फंडिंग जो है उसका दिस इज स्मॉल बट कम्पेरेटिवली फोर्टी नाइन हाफ ऑफ इट इज़ सो हमारा सेक्टर बहुत छोटा है फंडिंग बहुत ज़्यादा है तो इम्प्रूवमेंट का स्कोप बहुत ज़्यादा है इंटरनेट पेनेटेशन मतलब कितने लोग इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं तो इंडिया के सिक्सटी वन परसेंट पीपल आर यूजिंग विच इज़ लेस देन इन यू एस एज वेल एज चाइना बट टोटल इंटरनेट यूजर्स अगर देखा जाए एज टू यू नो कितने ज़्यादा हैं तो इंडिया इज ऑन द सेकेंड नंबर लेस देन चाइना बट लेस देन चाइना बट वे मच मोर देन यू एस सो दैट मीन्स हम नाउ इवन इवेंचुअली वी हैव बिकम इंडिया इंडिया हैज़ बिकम वन ऑफ द लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास उतने यूजर्स नहीं है जितने चाइना के पास है कम है वी स्टिल हैव पीपल हु डू नॉट सब्सक्राइब टू इंटरनेट और यूज दिस सिस्टम बट वी डेफिनेटली हैव अ बिग मार्केट फॉर इट उसके बाद स्टार्टअप्स की अगर बात की जाए तो ये नंबर ऑफ़ स्टार्टअप्स दिए हुए हैं और फंडिंग अमाउंट दिया हुआ है तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है ऑफकोर्स इट्स कमिंग टू कर्नाटका बेंगलोर फोर के स्टार्टअप हैं और सिक्सटी टू बिलियन आए हैं एंड नेक्स्ट गोइंग टू चंडीगढ़ विथ और सॉरी दिल्ली एंड चंडीगढ़ सिक्सटी फाइव पॉइंट के विथ थर्टी नाइन बिलियन डॉलर्स एंड महाराष्ट्र विथ ट्वेंटी बिलियन गुजरात विथ हंड्रेड एटीन सिक्स बिलियन 206 स्टार्टअप्स सो दीज आर द कंट्री दीज आर द स्टेट्स जिसमें सबसे ज़्यादा यू नो स्टार्टअप्स हैं इंडिया में और फंडिंग आती है अगर देखा जाए तो कौन से एरिया में काम कर रहे हैं स्टार्टअप सबसे ज्यादा तो ई e कॉमर्स में है फॉलोड बाय फिनटेक कंज्यूमर सर्विस इंटर इंटरप्राइज टेक एटेक इंटरटेनमेंट मीडिया ट्रांसपोर्ट हेल्थ ट्रेवल टेक एंड लॉजिस्टिक सो इस बेसिकली दिस इज वेयर मोस्ट ऑफ द फोकस इज ऑन ई कॉमर्स एंड फाइनेंस इंडिया जो है उसे ग्लोबल यूनिकॉर्न रेस में बहुत आगे है इंडिया इज़ ऑन लाइक द थर्ड नंबर सबसे पहले है यूएस विद 618 सिक्स हंड्रेड फॉलोड बाई चाइना विद 174 इंडिया विद 105 सो एवरी यू नो इट हैज़ इंडिया हैज़ द थर्ड लार्जेस्ट नंबर ऑफ़ यूनिकॉर्न्स इन द वर्ल्ड विच मीनस दैट क्रिएटिविटी वगैरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है गवर्नमेंट ने कौन सी स्कीम्स निकाली है इसके लिए उन्होंने आई और इलेक्ट्रॉनिक्स मिनिस्ट्री के अंडर ये बीपीओ प्रमोशन स्कीम है 2014 में लॉन्च हुई थी बेसिकली काम क्या है एम क्या है इंसेंटिव देना बीपीओ आईटी सेक्टर और आईटी रिलेटेड इनेबल सर्विस जो है उस सेक्टर को प्रमोट करना इंसेंटिवाइज़ करना सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स खोलना ठीक है और ये जो कई जो ऑटो तो, एक ऑटोनमस सोसाइटी जो है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उसको इम्प्लीमेंट करना ताकि यू नो ये एक एजेंसी बनाना जो ऑटोमेटिकली स्कीम को इम्प्लीमेंट कर सके सो देर बेसिकली डेफिने ट्राइंग टू क्रिएट बेटर स्पेस इन इंडिया फॉर देट मैटर नेक्स्ट टेली कम्युनिकेशन सेक्टर की अगर बात करें इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट है मतलब पूरे दुनिया में सेकेंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल यूजिंग टेलीफोन एंड टेली कम्युनिकेशन एज़ ऑफ अक्टूबर थर्टी फर्स्ट ट्वेंटी ट्वेंटी टू वन कितने वन थाउजेंड वन हंड्रेड एंड फिफ्टी वन पॉइंट एट वन बिल मिलियन यूजर्स जो थे वो यूज़ करते हैं और नाइन्टी एट पॉइंट टू नाइन परसेंट ऑफ देम यूज़ वायरलेस दैट मीन्स ये लोग मोबाइल फ़ोन वायरलेस वाली इंटरनेट सर्विस यूज़ करते हैं बाकी लाइंड यूज़ करते हैं एंड रूरल uh, uh, में इस वक्त सिर्फ फोर्टी फोर है मतलब फिफ्टी परसेंट से थोड़ा सा कम है यूसेज ऑफ टेली कम्युनिकेशन सर्विसज इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री विथ इंटरनेट सब्सक्राइबर्स सो सबसे ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं ग्रोथ रेवेन्यू कितना है सिक्सटी सिक्स थाउजेंड एट हंड्रेड एंड फिफ्टी एट करोड़ और विच इज़ नाइन पॉइंट जीरो नाइन बिलियन इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी वन Uh, अगर एफ डी ए कैप जो थी पहले सेवेंटी फोर थी बढ़ा के उसको हंड्रेड कर दिया गया है टोटल फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का इनफ्लो जो है वो थर्टी सेवन पॉइंट टू सेवन बिलियन रहा है जून अप्रैल जून के महीने में ट्वेंटी ट्वेंटी के डाटा के हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ये नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी टू थाउजेंड एट लॉन्च करी है जिसका एम यह है कि जो टेली कम्युनिकेशन सेक्टर है उसमें इन्वेस्टमेंट हंड्रेड बिलियन डॉलर तक पहुँच जाए प्लस Uh, नई जो टेक्नोलॉजी है मॉडर्न टेक्नोलॉजी जैसे 5G हो गया इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया मशीन टू मशीन ये ये नई टेक्नोलॉजीज हैं जो टेली में इनको एडवांसमेंट देने का भी काम यही पॉलिसी के अंडर यू नो बोला गया है नेक्स्ट इज लॉजिस्टिक्स एंड सेक्टर लॉजिस्टिक बेसिकली क्या होता है सामान का इकट्ठा होना और ट्रांसपोर्ट होना और सिक्योरली एक जगह पर रखना फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एवरीथिंग दैट इज़ इंक्लूडेड इन दैट कम्स अंडर लॉजिस्टिक्स सो बेसिकली रिसोर्स एक्विजिशन स्टोरेज ट्रांसपोर्टेशन मतलब कि कहाँ काम करने के लिए जो आपको चीज़ें चाहिए किसी भी कंपनी को कुछ बनाना होता है तो उसको सामान लेना पड़ता है राइट right? तो सामान को लेके आना उसको स्टोर करना उसको ट्रांसपोर्ट करना और उसके फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुँचाना उसके बीच में जितनी भी चीज़ें होती है लोडिंग अनलोडिंग एवरी कम्स अंडर लॉजिस्टिक्स इसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन वेयर हाउस पैकिंग इन्वेंट्री मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन फ्लो ऑर्डर प्रोसेसिंग और कस्टमर सर्विस भी आती है इंडिया का लॉजिस्टिक्स सेक्टर जो है वो 190 बिलियन का था 2019 में ये सेक्टर करीब बाईस मिलियन लोगों को डायरेक्टली एम्प्लॉय करता है और 8 टू 10 परसेंट रेट से बढ़ रहा है इस वक्त इंडिया का लॉजिस्टिक्स सेक्टर चैलेंजेस क्या हैं इंडिया uh, के लॉजिस्टिक्स सेक्टर को स्क्यूड मल्टी मिक्स मतलब क्या हमारे यहाँ जिस मोड से ट्रांसपोर्ट होता है वो मिक्स है किसी एक पे ज़्यादा फोकस नहीं है इतना अच्छा डब्ल्यू सिक्सटी परसेंट जो है वो आज भी रोड से हो रहा है इवन दो हमारे पास बहुत अच्छा इंडिया हैज़ वन ऑफ़ द नाइसेस्ट रेलवे कनेक्शंस पर फिर भी ओनली थर्टी टू परसेंट इज यूज एंड ओनली फाइव परसेंट वाटर वेज इज़ यूज इवन दो वी आर सो मैनी रिवर्स एंड हिस्टोिकली रिवर्स का बहुत इस्तेमाल होता था इंडिया के लॉजिस्टिक्स में पर अब बहुत कम हो गया उसको बढ़ाने का कुछ हुआ नहीं है हायर कॉस्ट है लॉजिस्टिक्स की बिकॉज रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है मूवमेंट स्लो है चेक्स मल्टीपल चेक्स होते हैं तो रोड पर ज़्यादातर लोग फोकस करते हैं ट्रांसपोर्ट करने के लिए और हमारे यहाँ के ना तो रोड इतने अच्छे हैं प्लस Uh, बहुत सीमलेस सिस्टम नहीं है ठीक है हर जगह पर रुकना पड़ता है उससे क्या जितना ज़्यादा टाइम लगता है उतना ज़्यादा पैसा लगता है लॉजिस्टिक्स uh, में उसके बाद पोर्ट सेक्टर इशूज़ इंडिया का जो टर्न अराउंड रेट है टर्न अराउंड रेट बेसिकली क्या होता है कि आ, आप जब शिप आती है और अपना सामान लोड कर ऑफ करती है और वापस जाती है इसमें कितना टाइम लगता है ऐसे टर्न अराउंड टाइम कहा जाता है और इंडिया का इस समथिंग अराउंड 62 टू आवर्स जो कि है ना बिकॉज ओवर क्राउडेड वर्ड्स है और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ख़राब है इसके कारण हो ये टाइम बहुत ज़्यादा है और कस्टम क्लियरेंस में बहुत टाइम लगता है और पोर्ट्स जो है इतने उनकी डेप्थ नहीं है इनसफिशेंट डेप्थ है इसलिए जो लार्ज व्हीकल्स है वो नहीं आ पाती है इंडिया के पोर्ट्स में टैक्स स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए यू नो पीपल ऑल्सो आर डिसेज वेयर हाउसिंग इशूज़ है यू नो कंडीशन बहुत ख़राब है लोकेशन का रिस्ट्रिक्शन है इसमें बहुत प्रॉब्लम होती है कहाँ सेव करें प्लस Uh, ए, कोई बड़े फ्रेगमेंटेड स्टोरेज फैसिलिटी है मतलब क्या एक जगह पे सब कुछ नहीं है सब अलग अलग जगह पे दूर दूर है तो जितना फ्रेगमेंटेड है उतना ज़्यादा पैसा लगता है बिकॉज फर्स्ट यू हैव टू सेंड वन थिंग हियर एंड देन अब ये जगह ख़त्म हो गई तो अगली जगह भेजना पड़ेगा सब जगह एक ही जगह पर होता है ना तो पीपल कैन बेसिकली मान लो यू वॉन्ट टू कीप समिंग समेन थाउजेंड पीसेज ऑफ समथिंग बट एक वेयर हाउस में सिर्फ एक हज़ार की जगह है दूसरे वेयर हाउस में दो हज़ार की जगह है तीसरे वेयर हाउस में तीन हज़ार की जगह है तो आपको अपने सामान को डिवाइड करना पड़ेगा ना तो अगर यही सब एक ही जगह पे होते तो दैट वुड हैव बीन लाइक यू कैन स्टोर ऑल योर स्टफ देयर तो इसका मतलब है कि आपको हर बार अलग अलग प्राइस लगता है चीज़ों को वेयर हाउस में पहुँचाना वहाँ से लाना एंड दैट इज़ डिफ़िकल्ट इट कॉस्ट मोर टेक्नोलॉजिकल और स्किल डिटरेंस है अभी भी स्टैंडर्डाइज नहीं है पूरा प्रोसीजर इसके कारण इंडस्ट्री की प्रोग्रेस बहुत स्लो है कहीं पे भी ये रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन आर एफ आई डी ये यूज़ नहीं होता है आर एफ आई डी आपने देखा होगा कि कई सारे मॉल मतलब अपार्टमेंट्स में या बिल्डिंग्स में यूज़ होता है जिसमें आपकी जैसे फास्ट टैग है ना फास्ट टैग का नंबर है और वो ऑलरेडी रीड कर लेता है और गेट खोल देता है उस टाइप का ये है तो ये यूज़ नहीं होता है हाउस में उसके बाद स्किल्ड वर्कफोर्स वर्क नहीं है फ्यूल की कॉस्ट इंक्रीज होती है तो उसके कारण सेक्टर की प्रॉफिटेबिलिटी बंद होती है और जितना ज़्यादा फ्यूल के प्राइस बढ़ते जा रहे हैं उतना ज़्यादा फ्रेट चार्जेस बढ़ते जा रहे हैं मतलब कितना पैसा लगता है चीज़ों को यहाँ से वहाँ ले जाने का उसके प्राइस बढ़ते जा रहे हैं गवर्नमेंट के रेगुलेशन बहुत ज़्यादा है इसके कारण सप्लाई चेन बहुत डिस्टर्प्ट होता है टाइम लगता है और जितना ज़्यादा टाइम लगता है चीज़ों को ट्रांसफ़र करने में उतना पैसा लगता है ठीक है एवरी सेकेंड इन लॉजिस्टिक्स इन इन ट्रैवलिंग ऑफ स्टाफ इक्वल टू मनी ज़्यादा लंबा समय लगेगा ट्रक ट्रक में रोड से जाने में तो ज़्यादा पैसे लगेंगे रिसेंट इनिशिएटिव क्या लिए गए हैं सबसे पहले तो एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने की को के लिए यू नो अप्रूवल मिला है एक तरीके से बेसिकली जितनी भी चीजें चाहिए लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड वो सब जैसे आईटी पार्क्स कैसे होते हैं वहाँ पे सारी आईटी की कंपनीज एक साथ आके काम करती राइट वैसे ही दे वांट टू मेक अ लॉजिस्टिक पार्क फॉर इट उसके अलावा एक ई वे बिल अंडर है जिसमें टैक्स के लिए उनको बेसिकली सीमलेस मूवमेंट होगा गुड्स का थ्रू आउट कंट्री और uh, ये जी और जो टैक्स का इशू है वो नहीं आएगा लोग Uh, पूरे इंडिया में आराम बिना किसी प्रॉब्लम के वी कैन ट्रांसपोर्ट थिंग्स उसका ये एक जीएसटी बिल इम्प्लीमेंटेशन करने की ज़रूरत है uh, इनिशियटिव सागरमाला भारतमाला और उड़ान विच इज बेसिकली सागरमाला फॉर शिपिंग इनिशेटिवस हैं ये फॉर भारतमाला फॉर रोड एंड उड़ान फॉर एविएशन विच बेसिकली तीनों ही के अंडर uh, गवर्नमेंट कोशिश करी कि कैसे इनके इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया जाए ताकि लॉजिस्टिक्स स्मूथ हो सके और उसके अलावा जो नए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स मतलब कि आपके नॉर्मल रास्ते और फिर कुछ रास्ते जैसे कई बार सिटीज़ में नहीं होता है कि दिन में वो बंद कर देते हैं सिटीज़ का रास्ता ठीक है कि ट्रक्स वगैरह दिन में नहीं आएंगी सिटी में रात में आएंगी तो उससे क्या होता है डिले होता है ना तो अगर हम सिटीज़ के बाहर से रास्ता बना दें ठीक है एक स्पेसिफिकली ताकि सिटी ताकि ट्रक्स को सिटीज़ के अंदर से ना जाना पड़े सो दैट वुड हेल्प तो इसी तरीके से यू नो एक डेडिकेटेड कॉरिडोर्स बनाए जाए जहां पे सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन के लिए ही यू नो व्हीकल जाएंगे तो वो बहुत अच्छा होगा इंडिया जो है वर्ल्ड बैंक की जो लॉजिस्टिक परफॉर्मिंग इंडेक्स है उसमें 2023 में 38th रैंक पे पहुंच चुका है विच इज़ वेरी गुड क्योंकि पहले फोर्टी फोर्थ रैंक पे था 2018 में और 54th रैंक पे था दो में तो दस डेफिनेटली इंक्रीज सो इंडिया एज अ कंपनी एज अ कंट्री उनका हमारा लॉजिस्टिक्स जो है वो अच्छा हो रहा है एंड वी आर रीचिंग टू द पॉइंट वेयर अब जिस तरीके से हमारा आ, इन कंट्री का मैन्युफैक्चरिंग हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं एंड एक्सपोर्ट इम्पोर्ट इनक्रीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं उस हिसाब से हमारी जो फ्रेट से रिलेटेड जितना भी लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर वो बढ़ रहा है बट इट्स नॉट अप टू द मार्क फॉर आर एंडवर्स मतलब जितना इंडिया एक्सपोर्ट में और इन चीज़ों में आगे बढ़ रही है पलट के उतना हमारे पास यू you नो know,

उसका मेजर पोर्ट का स्टेटस चला गया तो अब इस वक्त बारह मेजर पोर्ट हैं इंडिया में एज ऑफ मार्च ट्वेंटी नोटेबल पोर्ट्स इज प्रदीप चेन्नई विशाखापट्टनम पारादीप दीनदयाल पोर्ट एंड जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट इन जनवरी इन फेब्रवरी 2020 यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड स्टेब्लिशमेंट ऑफ 13 मेजर पोर्ट एट वधावन महाराष्ट्र तो महाराष्ट्र में 13 नए पोर्ट्स बनाने के लिए कैबिनेट ने अप्रूव किया है कहाँ पे हैं ये पोर्ट्स आप देख सकते हो कांडिला मुंबई जवाहरलाल नेहरू मोरगमऊ न्यू मैंगलोर कोचिन वियो चिदम्बरम चिदम्बरनर चेन्नई एनोर, विशाखापट्टनम, पारादीप एंड कोलकाता एंड पोर्ट ब्लेयर ये दिस वन वी काइंड ऑफ लॉस्ट हाउएवर ओवरऑल प्रॉफिट जो है वो बहुत कम हुआ है डिक्लाइन हुआ है फ्रॉम 2017 से 2020 और जो ग्रोथ देखी भी गई है मेजर पोर्ट्स uh, में वो सिर्फ वन परसेंट के अंदर ही है मतलब कि हमारी पोर्ट्स और ख़राब ही होते जा रहे हैं इंक्रीज़ तो कुछ नहीं हो रहा जो ग्रोथ थोड़ी बहुत है वो वन परसेंट दिख रही है और जितना इंडिया एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना चाहती है उस हिसाब से दैट्स अबिसमल मतलब बिल्कुल हम कैचअप नहीं कर पा रहे हैं इंडिया के ट्रेड को और यू नो लॉजिस्टिक पोर्ट और सर्व, इन सर्विसेज को एफिशेंसी अगर देखी जाए तो टर्न अराउंड टाइम जो है वो टू पॉइंट सिक्स टू डेज है वेर एज अ रैंडम यू नो दूसरे जो बोलते हैं ना पूरी दुनिया का एवरेज जो है वो जीरो पॉइंट नाइन सेवन है मतलब तो कि तेईस घंटे लगते हैं जनरली मतलब एवरेज हमारे यहां पे 62 घंटे लगते हैं एक शिप को टर्न अराउंड होने में स्पेस सेक्टर अकॉर्डिंग टू इसरो इंडिया ने इस साल 1.8 बिलियन स्पेस प्रोग्राम पर खर्चा करे हैं इन 2019-20 एज कंपेयर टू यूएस अगर देखा जाए तो यूएस ने 19.5 बिलियन खर्चा करे हैं और चाइना ने 11 बिलियन खर्चा करे हैं इंडिया की स्पेस इंडस्ट्री इस वक्त आठ बिलियन डॉलर्स की है जो कि टोटल वर्ल्ड का एट टू uh, परसेंट शेयर है की फोकस क्या है एक तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन क्या फोकस करती है स्पेस सेक्टर अर्थ ऑब्जर्वेशन और सैटेलाइट एडेड नेविगेशन इंक्लूडिंग गगन एंड नैविक ठीक है इन चीज़ों पर फोकस करती है हमारे सेक्स सर्विस uh, सेक्टर में ज़्यादातर ग्लोबली दो मेजर ट्रेंड देखे गए हैं स्पेस स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ नेशनल सिक्योरिटी पर्पज़ इस वक्त ज़्यादातर कंट्रीज के स्पेस प्रोग्राम इन दो चीज़ों पे फोकस है कैसे हम यू uh, नो you know, दूसरे प्ला, प्लानट्स पर जा सकते हैं स्पेस को एक्सप्लोर करने के लिए और कैसे हम अपने देश को की नेशनल सिक्योरिटी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं फ्रॉम स्पेस पॉइंट ऑफ व्यू राइट 1999 में इंडिया ने 381 फॉरेन सिंस 1999 सॉरी 1999 से अब तक 381 फॉरेन सैटेलाइट्स uh, जो कि 34 कंट्रीज़ को बिलोंग करती थी इंडिया ने लॉन्च करी है और टोटल 279 मिलियन रेवेन्यू में कमाया है private investments are being attracted to deliver space related goods and services particularly in the areas of basically app aur hum jaise common log na space mein zyada invest karte nahi kyunki hame direct fayda dikhta nahi hai to government basically kya kar rahi hai ki space se related goods and services को deliver करने की कोशिश कर रही है ताकि वो private investment को attract कर सके। so these are some of you know the areas जैसे कि satellite launch vehicles सेटेलाइट इंटरग्रेशन एंड असेंबली विच इज़ बेसिकली मीन्स कि जैसे आपको इंटरनेट है और टावर्स से मिलता है उसके वजह अगर आपको डायरेक्ट सेटेलाइट से मिले तो वॉट विल हैपन कहीं पर भी आप जाओ आपको सर्विस मिलेगी सेकेंड यू नो यू उसके अलावा अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं इसका मतलब है कि वी विल बी एबल टू यूज़ सेटेलाइट डाटा मच मोर क्विकली एंड यू नो गैस जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप फार्मर्स को हेल्प मिल सकती है इफ़ वी नो कि बारिश आने वाली है तो वो यू you नो know, अपना कटिंग जो है पहले कर लें एंड सो ऑन एंड सपोर्ट या कोई यू नो दे कैन मैनेज इन्वायरमेंट है लिटिल बिट बेटर इन दैट से उसके बाद कॉम्पोजिट uh, मटेरियल का प्रोडक्शन कायरोजेनिक uh, और सेमी कायरजेनिक प्रोपलर्स बनाना प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पैकेज एवियोनिक्स एंड सेटेलाइट टेस्टिंग तो इन सब चीज़ों में बेसिकली uh, इस एरियाज में गवर्नमेंट जो है इनो चाहती है काम कि काम बढ़े ताकि लोग यू नो स्पेस से रिलेटेड टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट यूज़ कर सकें और फिर उनको इंटरेस्ट आएगा स्पेस टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करने में तो वील हैव मोर पब्लिक इन्वेस्टमेंट इंडियन स्पेस पॉलिसी ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री तो अब इंडिया इस वक्त क्या पॉलिसीज़ फॉलो कर रही है फॉर रिलेटेड टू स्पेस सबसे पहले इनका एम ये है कि प्राइवेट सेक्टर को पार्टिसिपेशन बढ़ाए जैसे आपने देखा यू एस में यू नो इलॉनमस्क स्पेस एक्स है वैसे इंडिया में भी एक प्राइवेट सेक्टर हो जो गवर्नमेंट के साथ में काम करे या इंडिपेंडेंटली काम करे और नो, फो, एक तरीके से जो है प्रोपेल करे कि गवर्नमेंट भी और ज़्यादा इनिशिएटिव ले सकें कॉम्पिटिशन बढ़ती है बेसिकली राइट right? अभी अगर जैसे नासा की वजह अगर स्पेस ने अच्छा रॉकेट उड़ा दिया तो फाइन यू नो देर इज़ समथिंग नासा हैज़ टू कम्पीट विद अदरवाइज इट वॉज द ओनली ऑर्गेनाइजेशन इन यू एस एट दैट टाइम राइट तो प्राइमरी फोकस ये होता है रिसर्च और डेवलपमेंट करना ताकि हम एडवांस स्पेस टेक्नोलॉजीज लेके आ सकें प्राइवेट uh, सेक्टर की एंट्री करवाना ठीक है कि वो जैसे अब जब भी आपको कोई स्पेशल शिप uh, भेजनी है आउट आउटर स्पेस में तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें करनी होती है यू हैव टू फर्स्ट यू नो क्रिएट अ स्पेस जहाँ पे आप ये सब बनाओगे टेस्टिंग करोगे यू नीड लॉट ऑफ अदर थिंग्स राइट लॉट ऑफ अदर स्मॉल स्मॉल थिंग्स दैट कम टुगेदर टू क्रिएट यू नो अ रॉकेट दैट इज सेंट राइट तो वो बेसिकली चाहते हैं कि वो सब बिल्ड करने में जो एक चीज़ें हैं फॉर एक्जाम्पल सेटेलाइट रॉकेट लॉन्च करने में लॉन्च व्हीकल वगैरह डाटा कलेक्शन एक्सपेरिमेंटेशन जो होता है उन सब में प्राइवेट सेक्टर भी इन्वॉल्व हो इंकरेज करना कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो उसके लिए नया इंफ्रास्ट्रक्चर बने स्पेस सेक्टर में प्लस इसरो ऑफ कोर्स इसरो हैज़ स्टेट ऑफ़ द आर्ट फैसिलिटीज़ फॉर स्पेस राइट तो वो कह रहे हैं कि इसरो की जो फैसिलिटीज़ है उसको पब्लिक के लिए ओपन किया जा सके ताकि यू नो प्राइवेट इंस्टीट्यूट अगर वहाँ पर आके रिसर्च करना चाहते काम करना चाहते तो कर सके इसके बदले वो एक नॉमल फीस देंगे एंड दै वी अ दैट विल हैव टू इनफैक्ट एक तो इसरो को पैसा मिलेगा दूसरा वी विल हैव यू नो क्या बोलते हैं प्राइवेट एंटिटीज़ भी पार्टिसिपेट करेंगी तो वहाँ से इनोवेशन आ सकता है और अच्छी कॉम्पिटिशन आ सकती है बेसिकली कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं स्पेस सेक्टर में इंडिया के डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है इसका मेन काम यही है कि स्पेस पॉलिसी जो है इंडिया की उसको इम्प्लीमेंट करना इसका यही काम होता है कि जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट उन ध्यान रखना कि वो कोई भी स्पेस पॉलिसी को यू नो you know, वो नहीं कर रहे हो इंक्रोच ना कर रहे हो ठीक है मतलब एक दूसरे की आ, रू उस हर डिपार्टमेंट का एक अपना एरिया है कि वो इस सेक्शन में काम करता है ये उसके अधिकार है कोई एक दूसरे के अधिकार ना छीन रहा हो उसका ध्यान देना उसके बाद है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो इसरो का काम है टेक्नोलॉजी डेवलप करना सिस्टम और रिसर्च डेवलपमेंट करना स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए ठीक है ये जो है इंडिया की प्राइमरी स्पेस एजेंसी है जिसका मतलब मेन काम होता है एडवांसिंग स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड इनोवेशन नेक्स्ट इज़ न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड एन एस आई एल जो है ये एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है ठीक है पब्लिक सेक्टर की आ, मतलब एक तरह से गवर्नमेंट एजेंसी है जिसका मेन काम ये रहता है कि वो इसरो की जो भी नीड्स है मिशन करने के लिए उसको सपोर्ट करे प्लस जितने भी स्ट्रेटजी रिलेटेड इनिशिएटिव हैं कि मतलब इन द सेंस आप बोल सकते हो कि आ, क्या नया किया जा सकता है जिससे इसरो और अच्छे से फंक्शन कर सके दैट वर्क्स कम हियर देन नेशनल इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथोराइजेशन सेंटर ये एक ऑटोनोमस नोडल एजेंसी है एक तरीके से ये है ना ब्रिज है किसमें प्राइवेट सेक्टर में और इसरो के बीच में इसरो इज़ प्योरली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन राइट एंड यू हैव टू ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट इसरो का काम थोड़ा सा मोर आर एंड डी एंड मोर टूवर्ड्स स्पेस एक्सप्लोरेशन है विच इज़ साइंटिफिक इन एंड ज़्यादा उनका एकदम इमीडिएट आउटपुट नहीं होता है समझ लो तो उनका और प्राइवेट सेक्टर प्राइवेट सेक्टर इज प्योरली प्रॉफिट ठीक है तो इन दोनों के बीच में ब्रिज की जरूरत है सो so दैट कोई भी एक दूसरे को इनक्रोच ना करे तो वो काम जो है वो ये करती है ये इट एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन इसरो एंड द प्राइवेट सेक्टर और ये बेसिकली प्राइवेट कंपनीज को इसरो को एक्सेस देने में काम करती है नेक्स्ट इज डिफेंस स्पेस एनर्जी डिफेंस स्पेस एनर्जी जो है इट इज सपोर्टेड बाय डिफेंस स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन आज के टाइम में एक नया वी सीइंग वे सॉर्ट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी अराउंड द वर्ल्ड जहाँ पर कंट्रीज़ आउटर स्पेस का इस्तेमाल करना चाहती है इन वॉरफेयर तो वहाँ पर यह ऑर्गेनाइजेशन काम करती है बिकॉज इट बेसिकली सॉट ऑफ मेक श्योर कि इंडिया जो है uh, पीछे न रह जाए एंड हैज़ इनफ टू फाइट बैक इफ़ नीड बी ठीक है तो एक नया अब हमने नेवी कर लिया बढ़िया अपना आर्मी बढ़िया कर ली हमने एयरफोर्स बढ़िया कर ली बट ना ऑ द नेक्स्ट थ्रेट कम्स फ्रॉम स्पेस वेयर दिस एजेंसी कम्स इन ये मैंनेडेट है कि ये वेपन डेवलप करता है ताकि अगर बाहर से कुछ इस तरीके की एडवर्सरी आती है तो उसके अगेंस्ट फाइट कर सके इंडियन प्राइम मिनिस्टर लॉन्च डिफेंस स्पेस मिशन इन द डिफेंस एक्सपो इन ट्वेंटी इन गांधीनगर गुजरात एंड फाइनली द लास्ट सेक्टर विद इन सर्विस सेक्टर इज रियल इस्टेट रियल इस्टेट क्या होता है कोई भी इमूवेबल ऑब्जेक्ट और उसके ऊपर जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज या मैन मेड चीज़ें वो सब इन रियल इस्टेट में आती है फॉर एग्जाम्पल इफ देर आर ट्रीज एंड वाटर्स एंड लेक्स और मैन मेड स्ट्रक्चर्स लाइक बिल्डिंग्स होम फेंसेज ब्रिजेस ये सब जो है लैंड और लैंड के ऊपर बने हुआ सामान इसको हम रियल इस्टेट बोलते हैं uh, उसके लिए है रियल इस्टेट रेगुलेशन अथॉरिटी एक्ट 2016 ये गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट मैंडेट करती है और इनका काम इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है सबसे पहले तो इनको ये करना है कि एक जितना भी रियल इस्टेट है ठीक है उनके ओनर्स कौन हैं और कहाँ पे है और किसका क्या है उसका डाटा बेस बनाना ताकि डिस्प्यूट सॉल्व कर सके या डिस्प्यूट ना हो ठीक है अगर आप बोलते हो खरीदते हो कोई लैंड तो कोई एजेंसी होनी चाहिए ना कि जो बोले कि हाँ ये लैंड इस बंदे ने खरीदा है तो ये इसका है और अगर उस पर कोई इनक्रोच करता है तो यू हैव डाटा तो उस पर उसके लिए जो डा डाटा बेस मेन्टेन करना पड़ता है पब्लिक वेबसाइट पर वो काम करता है उसके अलावा प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ प्रोमोटर्स बिल्डर्स बायर्स एजेंट्स ठीक है ये लोग वो हैं जो बेसिकली रियल इस्टेट बनाते हैं क्योंकि लैंड तो सारा गवर्नमेंट का है टेक्निकली राइट गवर्नमेंट्स अलॉट करती है कि कौन सा एरिया किस तरीके से इस्तेमाल होगा कि कौन सा एरिया जो है मतलब ओन प्राइवेट इन प्राइवेट क्या बोलते हैं प्रॉपर्टी इन एग्जिस्ट करती है इंडिया में बट अदर देन दैट एवरीथिंग एल्स इज़ कंट्रोल्ड बाय द स्टेट राइट सो स्टेट ऑल्सो मैंडेट्स कि कौन से एरिया में गवर्नमेंट uh, के लिए यू नो रोड्स ब्रिज हाईवेज़ बनेंगे कौन से एरिया में uh, सिर्फ एग्रीकल्चर होगा कौन से एरिया में अर्बन डेवलपमेंट होगा तो उस में बेसिकली जो प्रमोटर्स बायर्स और सेलर्स है रियल इस्टेट उनके इंटरेस्ट को यू you नो know, ध्यान में रखते हुए उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना प्रमोट करना ये काम है उसके अलावा कोशिश करना कि पूरे देश में सब लोगों को सस्टेनेबल uh, और अफोर्डेबल घर मिल सके ये इस तरीके की फैसिलिटी डेवलप करना एंड प्रोवाइड एडवाइस टू गवर्नमेंट एंड इंश्योर इश्योर कम्प्लायंस विद रेगुलेशन एक्ट ठीक है बेसिकली जितना भी रियल इस्टेट से रिलेटेड है लाइसेंसिंग uh, हो गई कहाँ क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो वॉट आर द गुड प्रैक्टिसज टू डू इन रियल इस्टेट कोशिश करना जैसे रियल इस्टेट बबल जब फूटा था इन अमेरिका दैट्स वन वी गॉट टू का रिसेशन uh, राइट right? तो ये भी एक होता है कि यू हैव टू मेक श्योर कि लोगों के पास घर हो और घर इतने महंगे ना हो जाएं कि लोग रोड पे आ जाएँ उसके अलावा ये भी देखना होता है कि भाई घर के प्राइसेस कम होंगे तो रेंट के प्राइसेस भी कम होंगे है ना एंड uh, एक जो बोलते हैं ना कि अच्छा रहने की सोसाइटी बने जैसे uh, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो एक एक आइडिया होता है कि एक एरिया में कितनी पॉपुलेशन होनी चाहिए वो सबको देखना अच्छी फैसिलिटीज़ बनाना और कहाँ कहाँ पर किस किस चीज़ की ज़रूरत है उस ए, उसको देखना ये सब इस सेक्टर में आता है और इसको कंट्रोल करने की बहुत ज़रूरत है बिकॉज ऑब्वियसली एज़ जैसे जैसे इंडिया में मिलियन बिलियनर्स बढ़ते जा रहे हैं सम पीपल हैव अ लॉट ऑफ मनी अदर पीपल हैव नो मनी एट ऑल तो इस केस में इस जो डिस्टेंस आता जा रहा है लोगों की इनकम में इसके कारण ऐसा ना हो कि लैंड भी प्राइवेट इतना सारा हो जाए कि जैसे जो अमेरिका में हो रहा है इस वक्त की बड़ी बड़ी कंपनीज ने सारे घर खरीद लिए हैं और रेंट जो है वो इतना ऊपर कर दिया है कि लोग अपनी नॉर्मल इनकम में भी रेंट अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। दैट्स बिकमिंग अ प्रॉब्लम इन अमेरिका तो ऐसा कुछ ना हो ये सब करने के लिए भी एक रेगुलेटरी अथॉरिटी चाहिए होती है स्टेट के लिए सो दिस इज़ ऑल इन द सर्विस सेक्टर आई होप डकस वॉज इंटरेस्टिंग फॉर यू इफ हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू एनी थिंग दट वॉज नॉट टुडे वैन कमेंट बिलो इवन इफ इट्स सिक्स मंथ्स डाउन द लाइन वन ईयर डाउन द लाइन इफ यू हैव अ क्वेश्चन राइटेड आईज लुक एट ऑल द कमेंट्स एंड आई वल ट्राई टू आंसर दैम एज क्विकली एज पॉसिबल थैंक यू सो मच हैव अ नाइस डे बाय